हेलो स्टूडेंट्स, आई एम चंद्रलता राव, योर मैथ्स टीचर फ्रॉम गुरुकुल एकेडमी बम्बोरा। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का आगे का क्वेश्चन 5 करेंगे। क्वेश्चन 4 तक हम पहले वाली क्लास में कर चुके हैं, क्वेश्चन 5 आज हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 5 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि आपको नीचे जो क्वेश्चन दे रखा है उसको सॉल्व करके फाइनल आंसर फाइंड करना है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले जब भी दो साइन साथ में दिखते हैं आप उनको सिंगल साइन बना दो, ठीक है। ये दोनों साइन साथ में दिख रहे हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे आपस में, तो इसको पहले हम सोल्व करेंगे। 312 प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस बनता है 165, प्लस माइनस माइनस 35, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे, इसके आगे कोई साइन नहीं है, मतलब हमको समझना है कि इसके आगे प्लस का साइन है, ठीक है। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे या प्लस करेंगे, तो बीच में माइनस का साइन है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको दोनों डिजिट के आगे का साइन दिखना है। आप इन दोनों को सोल्व कर रहे हो तो इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस है। जब भी कोई दो डिफरेंट साइन होते हैं तो हम हमेशा माइनस करते हैं, ठीक है। तो हम इसमें से इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 2 में से 5 नहीं जाता, इधर से कैरी लेंगे। 12 में से 5 गया, कितना बचा, 7, ठीक है। अब यहाँ 1 था, एक कैरी चला गया, यहाँ कितना बच गया, 0। 0 में से 6 नहीं जाता, कैरी लेंगे। 10 में से 6 गया, 4। अब यहाँ 2 बच गया, 2 में से 1 गया, कितना बचेगा, 1। अब बात आती है कि साइन क्या आएगा, ठीक है। तो साइन जो है हमेशा बड़ी डिजिट का आता है, तो इन दोनों में से बड़ी डिजिट कौन है, ये वाली है ना, तो इसके आगे प्लस है, तो इसके आगे भी क्या आएगा, प्लस। अब नेक्स्ट हमारा माइनस 35, एज इट इज उतार दिया हमने। अब इन दोनों को भी क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि दोनों अलग अलग साइन है, ये प्लस का ये माइनस का। माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 7 में से 5 गया, 2, 4 में से 3 गया, 1 और 1 का 1। अब साइन किसका आएगा, बड़ी डिजिट का, बड़ी डिजिट प्लस की है तो ये प्लस का, यानी कि हमारा आंसर हो गया 112। नेक्स्ट हमारा इसी का थर्ड वाला क्वेश्चन है जिसको हम सॉल्व करेंगे। पहले दो साइन साथ में आ रहे हैं उनको सिंगल साइन बनाते हैं, ठीक है, बाकी सेम एज इट इज रहेगा। प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस बनेगा, प्लस माइनस माइनस, बाकी पूरा सेम रहेगा, ठीक है। अब सिंगल साइन हो गए, अब हम इनको सॉल्व करेंगे। तो देखो ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, प्लस 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 ही होगा, इन दोनों को आप प्लस करोगे तो आंसर आएगा 2046, ओके। बाकी की डिजिट आप एक जैसी लिख दो एज इट इज। स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन स्टेप सॉल्व करनी, ठीक है। अब इसमें से हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है, ठीक है। तो इसको माइनस करेंगे हम तो आंसर आएगा हमारा 1842। फिर बाकी का सेम 353 प्लस 78। अब इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1489, ठीक है, प्लस 78। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 1567, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, इस तरीके से हमको सॉल्व करना है। इसी क्वेश्चन के बाकी के ये दो क्वेश्चन हैं, ये आप नोट डाउन कर लीजिए, घर पे बैठ के रफ कॉपी में सॉल्व करेंगे। यस, नाउ हमारा 6 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फाइंड द सक्सेसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, आपको इसका क्या करना है, सक्सेसर फाइंड करना है, ठीक है। सक्सेसर का मतलब होता है एक नंबर आगे जाना, ठीक है, यानी कि प्लस 1 करना, ठीक है। अब इसका सक्सेसर फाइंड करेंगे माइनस 31 का, तो कैसे लिखेंगे, सक्सेसर ऑफ माइनस 31, तो माइनस 31 का सक्सेसर क्या हो जाएगा हमारा, माइनस 31 प्लस आप क्या करोगे, इसके साथ 1 करोगे, ठीक है। सक्सेसर में प्लस करते हैं और प्रेडिसेसर में माइनस 1 करते हैं, तो इसमें आप प्लस 1 करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, देखो ऐसे नहीं कि आप माइनस का 32 लिख दें इसको, है ना, क्योंकि इन दोनों के बीच में प्लस है तो ये प्लस नहीं होगा, आपको दोनों सिंबल देखने हैं, ये प्लस है ये माइनस है। जब भी दो अलग अलग साइन आ जाते हैं तो हम हमेशा माइनस करते हैं, तो 31 में से 1 माइनस होगा तो हमारा आंसर होगा 30, और अब साइन आएगा बड़ी डिजिट का, बड़ी डिजिट 31 है तो यहाँ पे माइनस का साइन है तो ये माइनस का, तो माइनस का 30 हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसी का फोर्थ क्वेश्चन है माइनस 201, तो इसका सक्सेसर क्या होगा,
सक्सेसर ऑफ माइनस 201, तो हम क्या करेंगे इसमें प्लस 1 करेंगे, तो माइनस 201 प्लस 1, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, एक प्लस माइनस का एक प्लस का है तो हम माइनस करेंगे, दो अलग साइन है इसलिए, ठीक है। तो 201 में से 1 गया तो कितना आएगा 200, ठीक है, और साइन माइनस का है तो माइनस सिंबल आ जाएगा। इसके सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन ये दे रखे हैं, माइनस 1 और 0, आप घर पे बैठ के सॉल्व करेंगे इसको। अब हम क्वेश्चन 7 करेंगे जिसमें हमको फाइंड द प्रेडिसेसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इसमें प्रेडिसेसर फाइंड करना। पिछले वाले क्वेश्चन में हम प्लस 1 कर रहे थे, इसमें हमको माइनस 1 करना है। मैं दो क्वेश्चन करके बताऊंगी, बाकी के दो आप खुद करेंगे, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट वाला क्वेश्चन है तो इसका आपको फाइंड करना है प्रेडिसेसर, ठीक है। तो प्रेडिसेसर ऑफ जीरो, जीरो का प्रेडिसेसर यानी कि जीरो में से माइनस करना है किसको, वन को। अब देखो जीरो में से माइनस करेंगे वन को तो आंसर हमारा क्या आएगा, माइनस का वन ही। क्यों आया, इधर देखो प्लस और माइनस, इसके आगे कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस है ना, प्लस और माइनस दो अलग अलग साइन है, तो आंसर हमारा क्या है, किसमें निकालेंगे हम, माइनस करेंगे, ठीक है। तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का वन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मैं आपको सेकंड वाला करके बता देती हूँ, माइनस वाला। तो इसका आंसर होगा प्रेडिसेसर ऑफ माइनस 121, ठीक है। तो इसमें माइनस 121 में से आप 1 माइनस करेंगे। अब यहाँ पे ऐसे नहीं करेंगे 121 और 1 के बीच में माइनस आ रहा था माइनस करेंगे, नहीं, दोनों के सिंबल चेक करना है, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, जब दोनों सेम सिंबल आ रहे होते हैं तब हम प्लस करते हैं। तो 121 में 1 को प्लस करोगे तो 122 आंसर आएगा, और बड़ी डिजिट माइनस की है तो यहाँ पे भी माइनस आंसर आ जाएगा। अब हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। पहले हमने एडिशन किया था, अब यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। फर्स्ट वाला क्वेश्चन सिंपल है, सिंपल सब्ट्रैक्शन है, इसलिए आप इजीली कर सकते हैं। मैं सेकंड वाला करा रही हूँ, इसको हमको माइनस करना है, ठीक है। तो माइनस में हमेशा ध्यान रखना है, जब फ्रॉम करके दिया हो तो फ्रॉम के बाद वाला नंबर पहले आता है और पहले वाला बाद में लिखेंगे, ठीक है। यानी कि इसमें से आप इसको माइनस करोगे, ठीक है। तो माइनस 528 माइनस करना है, इसलिए मैंने माइनस का साइन लगाया, किसको माइनस करना है, 122 को, ठीक है। तो इसलिए मैंने ऐसे लिखा है, ठीक है। अब देखो, अब इसको माइनस करेंगे या प्लस करेंगे, तो यहाँ बीच में माइनस का साइन है तो इसको देख के माइनस नहीं करना है, आपको इसका साइन भी देखना है और इसका साइन भी देखना है, दोनों माइनस माइनस आ रहे हैं यानी सेम साइन है, जब भी सेम साइन आते हैं हमारे तब हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो इन दोनों को हम प्लस करेंगे, तो 8 और 2 10, केरी 1, 2 2 4 और केरी 5, और 5 और 1 6, ठीक है। तो यहाँ पे हमने प्लस कर दिया, अब बड़ी डिजिट का साइन लगाएंगे माइनस। अब आप ये मत सोचना कि यहाँ तो सब्ट्रैक्ट करना था और मैम ने प्लस कर दिया, ऐसा नहीं है, मैंने सब्ट्रैक्ट ही किया है, सिंबल सब्ट्रैक्ट का ही लगाया है, ठीक है। लेकिन जब इसको सॉल्व करते हैं तब हमको सिंबल देख के फिर सॉल्व करना है कि यहाँ एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन होगा, ठीक है, वो डिपेंड करेगा उनके सिंबल्स के ऊपर, ठीक है। इसी का फिफ्थ क्वेश्चन है, माइनस 19 फ्रॉम जीरो, ठीक है। तो मैंने आपको बोला फ्रॉम के बाद वाला जो आएगा उसमें से माइनस करना है पहले वाले को, ठीक है। तो ये जीरो पहले लिखेंगे, ठीक है, और फिर आपको इसको माइनस करना है, तो माइनस करना है तो माइनस का सिंबल लगा दिया मैंने, ठीक है, और फिर आपको माइनस क्या करना है, माइनस का 97, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बताया जब भी दो सिंबल साइन साथ में आ रहे हों तो आप इनको क्या करना है, साइन को सेम बनाना है, ठीक, मतलब एक ही बनाना है, सिंगल है ना। तो जीरो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 97, ठीक है। अब 0 प्लस 97 कितना होता है, 97 ही, ठीक है। तो ये अपना आंसर हो गया। फिर इसी का सिक्स क्वेश्चन है, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, फ्रॉम के बाद वाले में से पहला वाला माइनस करेंगे। तो देखो फ्रॉम के बाद में देर का माइनस 821, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है तो मैंने माइनस का सिंबल लगाया, और किसको करना है, इसको, माइनस 1015,
ठीक है। अब दो साइन एक साथ आ रहे हैं, इनको सिंगल साइन बनाएंगे। माइनस 821 माइनस माइनस प्लस 1015। अब क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, प्लस का साइन है तो नहीं करेंगे ना, हम दोनों का साइन देखेंगे, इसके प्लस है इसका माइनस है, ठीक है। तो जब भी दो अलग अलग साइन आ जाते हैं तो हम हमेशा माइनस करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। तो माइनस बड़ी डिजिट में से छोटी डिजिट माइनस होगी, तो फाइव में से वन गया कितना बचा, फोर। वन में से टू भी जाता है नहीं जाता है, तो कैरी लेंगे, जीरो से कैरी लेंगे, जीरो के पास नहीं है ये, इससे लेगा वन, है ना। तो यहाँ टेन हो गया, टेन में से वन इधर दिया इलेवन, इलेवन में से टू गया कितना बचा, नाइन, ठीक है। अब यहाँ टेन की जगह नाइन बच गया, नाइन में से एट गया कितना बचेगा, वन, ठीक है। अब बड़ी डिजिट किसकी है, प्लस की है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का 194। इसी क्वेश्चन के बाकी के तीन क्वेश्चन ये लिखवा दिए मैंने, ये आप घर पे बैठ के सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन सेकंड है, जिसमें हमको लेस देन ग्रेटर देन का सिंबल रखना है इस बॉक्स के अंदर, ठीक है। मतलब फिल इन द ब्लैंक जैसे होता है हमारा, वैसा क्वेश्चन है। तो हम इसमें क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड यानी कि इस बॉक्स के लेफ्ट हैंड साइड इधर वाला भी सोल्व करेंगे और इधर वाला भी सोल्व करेंगे, ठीक है। कौन सा बड़ा आता है छोटा आता है उसकी तरफ हम सिम्बॉल लगाएंगे लेस देन ग्रेटर देन का, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखो, दो दो साइन एक साथ आ रहे हैं इधर भी, है ना, इनको पहले सिंगल बना देते हैं। तो माइनस फोर प्लस माइनस माइनस का सिक्स, ठीक है। फिर माइनस फोर माइनस माइनस प्लस का सिक्स, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो देखो दोनों माइनस माइनस के सिंबल है, तो माइनस माइनस जब दो सेम सिंबल आ जाते हैं तो हम प्लस करते हैं। फोर प्लस सिक्स कितना हो गया, टेन। और बड़ी डिजिट किसकी है, सिक्स, माइनस की है, तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस, ठीक है। अब यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, मतलब दोनों अलग अलग सिंबल है, तो हम इनमें माइनस करेंगे। तो सिक्स में से फोर गया कितना बचा, टू। बड़ी डिजिट किसकी है, प्लस की, सिक्स प्लस का है, तो यहाँ पे किसका आएगा, प्लस। अब चेक करना है कि माइनस टेन बड़ा है या प्लस का टू। तो माइनस की डिजिट हमेशा छोटी होती है, ये टेन चाहे आपको बड़ा दिख रहा है टू से, लेकिन माइनस की डिजिट है ये, इसलिए हमेशा माइनस छोटा होता है प्लस की डिजिट से, ठीक है। तो ये प्लस का टू हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा। तो इस तरफ हमारा ये सिंबल लग जाएगा, ठीक है। इसी का फोर्थ क्वेश्चन है जिसको सॉल्व करना है आपको। तो देखो माइनस का 35 प्लस माइनस माइनस 35, क्योंकि दो सिंबल एक साथ है इनको सिंगल बना रहे हो, ठीक है। प्लस 5 प्लस 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 ही होता है, प्लस 20, ठीक है। माइनस माइनस सेम साइन आ रहे हैं तो ये दोनों प्लस होंगे। 35 35 कितना हो गया, 70, ठीक है। बड़ी डिजिट ये दोनों सेम ही डिजिट है, तो हमेशा हम क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, ठीक है। और इधर 5 और 20 कितना हो गया, 25। बड़ी डिजिट प्लस की है, प्लस। अब माइनस का 70 बड़ा होता है या प्लस का 25, तो मैंने आपको बताया माइनस की डिजिट हमेशा छोटी होती है प्लस की डिजिट से, ठीक है। तो प्लस का 25 हमारा बड़ा हो जाएगा। बाकी के क्वेश्चन ने लिखे हुए हैं, आप घर पे सॉल्व करेंगे। आज के लिए यहीं तक, आगे के हम नेक्स्ट वाली क्लास में सॉल्व करेंगे। आप घर पे बैठ के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।